तो ही एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने वीडियो देखा होगा डांडिया का, और कितनी तारीख को था ये? मंडे को था आई थिंक। और हम मंडे को डांडिया डांस में गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और वीडियो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जब लेकिन जितनी भी क्लिपें रिकॉर्ड कर पाई वो मैंने की। और अभी चल रही है करवा चौथ की तैयारी। वैसे मेरी तैयारी हो गई है, साड़ी वगैरह सेट मतलब जो पहननी है वो कर ली है तैयार, और ब्लाउज अभी आया नहीं है, देखते हैं आज या कल तक आ जाएगा। अभी तो 2 दिन मतलब कल का दिन और पड़ा है। और आज मैं सोच रही हूँ कि वैक्सिंग का काम करवा लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कराऊँगी अब की बार। फेशियल वगैरह मैं नहीं कराऊँगी, क्योंकि मैंने जब डांडिया में जाना था तब मैंने उस दिन ब्लीच कर ली थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ भी नहीं करवाऊँगी। और वैक्स वैक्स करानी है, और मेहंदी वाली को कहा हुआ है अगर वो आ गई तो लगवा लूँगी, वरना पैर में तो फिर लगाना ही है, कल दिन में लगा लूँगी। तो इतनी थोड़ी सी तैयारी है वो करूँगी, और बाकी अच्छे से रेडी होंगे। और करवा चौथ की शॉपिंग चूड़ी वगैरह जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या की थी, तो दिखाई नहीं थी आई थिंक मैंने आपको। तो साड़ी मैं आपके पास नई नई लेके आई हूँ, मैं जो मेरी शादी के पास की मेरी सिस्टर ने दी थी वही मैं पहनूंगी, वो बहुत सुंदर लगती है मेरे को साड़ी। और ड्राई क्लीन वगैरह करवाई हुई थी, तो मैंने सोचा आपके बार यही है कि इतनी पहनते नहीं है, फिर इकट्ठी करने का क्या फ़ायदा, इस कारण से मैं लाई नहीं। ब्लाउज मैं उसका लेके आई हूँ जो पहले का था, तो अब मैं मोटी हो गई, पहले मैं पतली थी, तो इस कारण से। और डुगू स्कूल चला गया है, और अभी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और कपड़े लगाने हैं वॉशिंग में, वो मैं डुगू के यूनिफॉर्म आ जाएगी तब लगाऊंगी। और थोड़ी सी कहते हैं ना घर में ऐसे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो व्लॉग बीच में नहीं डाल पाई, लेकिन अभी मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, तो खाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम करेंगे घर पर पेडिक्योर, तो कल मेहंदी लगवानी है, तो पैर भी सुंदर होने चाहिए। तो ये मैंने कल परसों ब्लीच की थी, तो ये मैंने जो पाउडर डालते हैं वो रह गया था, तो ये पेडिक्योर में बहुत अच्छा रहता है। और ये ले लिया मैंने हनी, और ये एक लेमन, और कॉफ़ी से हम स्क्रब करेंगे। तो चलिए पेडिक्योर घर पे करते हैं, और अपने पैसे बचाते हैं, तो चलिए घर पे पेडिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान ले आई हूँ पेडिक्योर करने के लिए, और डेली में करना चाहिए अपने को अपने हाथों पैरों की सफाई, लेकिन वही बात है ना लेडीज़, हम इतना गौर नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं टाइम में ऐसे ही। तो मैंने सोचा आज कल मेहंदी लगाएंगे तो इसको भी कर लेते हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अपना स्किन का, हाथ पैरों का, सबका खूब ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरा चेहरा भी बहुत ख़राब मतलब ऐसे छांव से लग रही है मेरे को, तो उन सबको मेरे को करना है, ध्यान देना है उन पे, तो अभी कर लेते हैं। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है शैम्पू, और थोड़ा सा नींबू और जो ब्लीच का पाउडर था वो डाल दिया है, और पानी मेरे पास गुनगुना है। तो आप पानी हमेशा, अगर आप पैर वगैरह हाथ वगैरह साफ़ कर रहे हो, अदरवाइज नहाना भी हमें गर्म पानी से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है, तो इससे हमारे हाथों पैरों का मेल एकदम गल जाता है और आसानी से उतरता है। और यहाँ पे मेरे मतलब ऐसे हो रहा है कि चप्पलें सारा दिन अपने पहन के रखते हैं, तो चप्पलों का अलग निशान हो गया है, और आधी आधी दिख रही है। और यहाँ पे अभी तो मेरी फ़िलहाल एड़ियाँ सही है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन अभी जब सर्दी शुरू हो जाएगी तो मेरी एड़ियाँ फटने लग जाएगी, अभी तो फ़िलहाल सही है। और ये मेरे पास है, इसको बोलते क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एकदम बेस्ट चीज़ है आपके अगर एड़ियाँ वगैरह फटती हो तो, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है। आप मतलब 2-3 दिन के अंदर आप इससे करोगे साफ़, तो आपकी एड़ियाँ हमेशा सॉफ्ट एन ये गंदगी वाली जो ये हमारी जिसको ब्याव बोलते हैं वो फट जाती है, तो ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है, पहले मैंने एड़ियाँ साफ़ कर ली है, अभी ब्रश से मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। थोड़ा सा मेरे को अनकम्फर्टेबल लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर घाघरे के अंदर थोड़ा सा मेरे से संभल नहीं रहा था,
तो वो करके आराम से कभी आराम से जब करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और आप देख सकते हो कि चप्पलों का अलग निशान है और जो अपने हड्डी है उस पे मेरे देखो कितना ब्लैक हो रहा है। अभी एक बारी में तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पैरों हाथों पैरों की मैं अब खूब ध्यान रखूँगी तो शायद ये सही हो जाएगा। तो ये देखिए ब्लैक हो रहा है, तो अब मैं अच्छी तरह ध्यान रखूँगी तो ये सब सही करूँगी। लेकिन काफ़ी देखो पैर साफ़ हो गए एक हफ्ते, ऐसे नहीं कहूँगी कि एक बारी में आपके पैर साफ़ हो जाएंगे, नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक देखो साफ़ हो चुके हैं मेरे पैर। और इस तरीके से कॉफ़ी और शहद मिला के भी आप थोड़ा सा स्क्रब कर सकते हो। और मेरे हाथ भी गीले थे और थोड़ा तब जाके मेरे को घाघरा संभल नहीं रहा था मेरा, तो वो करके दिक्कत हो रही थी। लेकिन और अभी मैंने थोड़ा सा वापस वो नींबू पड़ा था वो ले लिया है, और ये जो है इससे मैंने साफ़ किया है, तो इससे काफ़ी मैं साफ़ हो रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको और अगर कभी होगा तो मैं अब देखभाल अच्छी तरह से करूँगी और अच्छी तरह से पैरों का ध्यान रखेंगे और इसको साफ़ करके ही रहेंगे। तो आज जैसे मैंने किया है अभी 2-3 दिन के बाद फिर से मैं अपने पैरों को साफ़ करूँगी, तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। तो बस इनसे नींबू से मैं कॉफ़ी लगा दी है, थोड़ा सा शहद मिला के अभी जो है ब्लीच का पाउडर वो अभी मैं नींबू को रो के तो वो रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि ये एक तरह का जब ब्लीच यूज़ करते हैं तो वो ब्लीच में यही काम ज़्यादा करता है। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं मसाज और अच्छी तरह से नाखून वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, उंगलियाँ वगैरह। और इस पानी से पायलें भी बहुत साफ़ हो गई थी, काफ़ी हद तक मेरी पायल साफ़ हो गई थी और आज मेरे पैर मेरे खुद को बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और आप भी इस तरीके से अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने पैरों की सफाई घर पे ही कर सकते हैं। तो अभी गर्म पानी से अच्छी तरह से अपने पैरों को धो लीजिए, देख सकते हो आप रिजल्ट आपके सामने हैं। तो एक बारी में तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक देखो पैर साफ़ हुए हैं मेरे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गए मेरे पैर साफ़। इस पे मैं लगा लूँगी नारियल तेल, तो चलिए मसाज कर लेते हैं नारियल तेल से। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है कोकोनट ऑयल। तो चलिए वैक्स कराने चलते हैं जिस पार्लर से मैं करवाती हूँ, और उनका फ़ोन आ चुका है। मैंने उनको फ़ोन किया था कि आप बता देना जो फ्री हो, तो वो उनका फ़ोन आ चुका है कि आप आ जाइए। तो जल्दी से चलते हैं, फटाफट वैक्सिंग करवा के आते हैं, अपना काम फ्री, फिर कल मेहंदी मेहंदी रहेगी। तो जल्दी से चलते हैं, फटाफट करवा के आते हैं। तो मैं वैक्स करा के आ चुकी हूँ और हाथ बिल्कुल साफ हो गए हैं। और अभी बनाती हूँ मैं खाना, और शाम का टाइम हो गया है, खाने का 6:30 होने वाले हैं। और आज मैं बनाऊंगी पकोड़े वाली कढ़ी, आज मन है और खाएंगे पकोड़े वाली कढ़ी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन गोल लिया है, उसमें हरी मिर्च डाली है, एक छोटा प्याज डाला है और नमक मिर्च, और अभी इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे अपने कढ़ी के लिए और कुछ खाने के लिए। तो कुछ हमने खा ली थी और कुछ हमने कढ़ी के अंदर डाली, तो और बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी हमारी। तो इस तरीके से कभी मन हो तो बना के खा लेना चाहिए। और मेरा बहुत मन हो रहा था काफ़ी दिन से कि कढ़ी वाली पकौड़ी वाली कढ़ी खाएं। और बस, और ये रोटी देख रही हो, ये सुबह का आटा मैं रखना मतलब भूल गई थी, तो मैंने इसको सेका था बड़ा सारा कि गाय को दें तो कच्चा ना खाए वो बेचारी, तो इसको मैंने सेक दिया था दोपहर में। और यहाँ पे धीमी धीमी आँच पे हम अपनी पकौड़ियों को सेक लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पकौड़ों वाली कढ़ी कैसी लगती है। और ये बस देखो ब्राउन हो चुके हैं और अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो एक हमारा पाव तैयार हो चुका है, और इस तरीके से दूसरा भी चम्मच की सहायता से
हम डाल देंगे। और इससे एक फ़ायदा है कि अपने को बार बार हाथ नहीं धोने पड़ते, चम्मच से अच्छी तरह बन जाते हैं और हाथ जलने का डर भी नहीं रहता। तो मैं लगभग पकौड़ियाँ आजकल चम्मच से निकालती हूँ। पहले होता था कि हाथों से निकालते थे पापा जब भी पकोड़े बनाते थे, और अब तो आगे सर्दी आ रही है तो खाने पीने का अच्छा एक रूटीन बन जाएगा, चीज़ें अच्छी लगेगी, नई नई रेसिपी ट्राई करेंगे सर्दियों के अंदर। तो सर्दी अच्छी लगती है, और देखेंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं। और ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी, और मैंने मैरून रंग की नैन पेंट लगाई है तो सुंदर लग रही है हाथों में। और यहाँ पे मैं हमेशा कढ़ी घी में ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ घी की कढ़ी बनाते हैं, घी में ही तड़का लगाते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में डाल दिया है घी, और घी जब गरम हो जाएगा तो और मैं मेथी राई तीनों डालती हूँ तो उसे टेस्ट दुगना हो जाता है। और मैं यहाँ पे हींग निकाल रही थी तो हींग मैंने डाल दी है, और अब डाल दी है मेथी और राई और थोड़ा सा जीरा। तो ये थोड़ा सा हिला देंगे, ये हो गए हैं तैयार। और ये डाल दिए प्याज हरी मिर्च, और इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक हमारा उसी डो के जो मेरा जो बेटर बनाया होता है उसी के अंदर मैं दही डाल दूंगी, उसी के अंदर मैं कढ़ी का घोल तैयार कर लूँगी। तो दही मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा था लेकिन खट्टा नहीं था, ताज़ा दही थी घर की, तो मैंने दही डाली थी, पानी तो बहुत कम डाला था। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और पहले हमारे क्या होता था कि जब ये जैसे घोल बना रहे हैं इसी के अंदर हम प्याज डालते हैं, हालांकि अभी भी मायके में डालते हैं इस तरीके से, लेकिन आजकल मैं तड़का लगा के उसके ऊपर से फिर कढ़ी डालती हूँ। तो एक तो प्याज अच्छी तरह से भुन जाते हैं, वैसे भुन वो तैयार तो हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं, लेकिन इनमें जब वो एक भुनते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने जो घोल बनाया था उसके अंदर हल्दी मिर्च सब कुछ डाल के अच्छा सा मिला के और कढ़ी के मतलब प्याज के अंदर डाल दिया है। और अब इसको काम है मेहनत वाला, तो इसको अब नहीं छोड़ना है, हमें इसके पास ही रहना है और इसको गिलाते रहना है जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए कढ़ी का कलर कितना सुंदर लगा है। तो आप भी जाइए और पकौड़े वाली कढ़ी ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ट्राई करो तो कमेंट मुझे करना कि हमने भी पकौड़े वाली कढ़ी खाई थी, तो मुझे पता चलेगा कि किस किस का मन हुआ पकौड़े वाली कढ़ी खाकर। और बस इसको उबाल आ चुका है और मैं अच्छी तरह से इसको हिला रही थी, और बाकी के मैं वीडियो नहीं बना पाई लास्ट इसका व्यू देने के लिए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो बीच में फ़ोन आ गए थे तो इस कारण से मैं भूल गई थी। तो ये है हमारी कढ़ी, तो इसके अंदर उबलने के बाद का थोड़ी देर मैंने इसको उबाला है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर पकौड़ियाँ डाल दी है, और टेस्टी पकौड़ी वाली कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है, और ये येलो कलर कढ़ी वाला कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये लास्ट में पकौड़े डाल देंगे, अभी नहीं डालेंगे।